examining a thin compass. slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जो हम लोग के पुराने जमाने में दवाई मिलती थी उसके ऊपर एक ढक्कन लगता था लकड़ी का, तो वो एक बार उसे उसको खोल के अलट पलट के देख रहे थे, तो वो उन्हें ऐसे दिखाई दिया हनी कॉम की तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें छोटे 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 कंपार्टमेंट बने थे, यानी जैसे कमरा जैसा बना था। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क पुराने जमाने में एक ऐसा संपान होता था जो कि पेड़ की छाल से बनाया जाता था। दिस वॉज इन द ईयर 1665, ये 1665 के जमाने की बात थी। वेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, फिर उन्होंने उसी को अपना, उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे उन्होंने देखा। एक बात याद रखो, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज हाँ बॉक्सेस सेल्स। सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने वो छोटे छोटे जो डिब्बे थे उनका नाम रखा सेल्स। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम। सेल का लैटिन नाम होता है लिटिल रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये बहुत ही अजीब सा एक हादसा था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, लेकिन साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। पहली बार किसी ने मैं जाना कि जिन चीज़ों में जान होती है वो भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है। द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। मतलब सबसे पहले जो इंसान था जिसने ये निकाला कि जिन चीज़ों में जान होती है वो भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है और उसको हम सेल कहते हैं, और उन्होंने इसको सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से देखा था। ये 1665 की बात है। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ अब हाँ हम पढ़ेंगे 5.1, ठीक है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। चलिए पढ़िए बाप। लेटेस्ट अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर कैप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड इपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ द ओनियन. दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन अ वॉश ग्लास कंटेनिंग वाटर. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. वॉट डू वी डू विद दिस पील? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस विद द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी हेल्प ट्रांसफर द पील. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रीन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर ऑफ स्लिप्स विद द हेल्प ऑफ अ माउंटेनियर निडल. आस्क योर टीचर फॉर द हेल्प. वी हैव प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ onion peel. We can observe this light under low power followed by high power of a compound microscope. इन्होंने क्या कहा, एक प्याज का छिलका ले लो, ठीक है, उसको फिर एक सॉल्यूशन है सेफ्रिन उससे साफ करके ये माइक्रोस्कोप का फिगर बनाया ना 5.1 में, ये इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है। जहाँ पे लिखा है ना क्लिप माइक्रोसाइट स्लाइड, यहाँ पर उस प्याज के छिलके को रखा जाता है। तो जहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक जगह लिखा है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, ऊपर लिखा है आई पीस, तो आई पीस के पास हम अपनी आँख से देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास यहाँ नीचे प्याज का छिलका रखा जाता है और इसको एडजस्ट करके माइक्रोस्कोप से देखा गया, ठीक है ना। और ये माइक्रोस्कोप का फोटो है, और इस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, और उन्होंने उसको कॉर्क के डिब्बे में देखा था, लेकिन
इसको हम आज अपनी लेबोरेटरी में कैसे देख सकते हैं? वो प्याज का छिलका लिया गया। प्याज के छिलके को लिविंग क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी पेड़ हैं और जितने भी जानवर हैं, ये लिविंग बॉडी है। ठीक है, केवल जानवर नहीं है लिविंग, पेड़ को भी लिविंग माना जाता है। ठीक है, तो जब प्याज का छिलका यहाँ रखा गया ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ऊपर आँख के पास से देखा गया, तो उस प्याज के छिलके में अब क्या दिखाई देगा? पढ़ो, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लेंस है, हाँ, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये जो फिगर 5.2 बना है ना, 5.2 बना है ना, ये प्याज के छिलके में दिखाई दिया गया। तो देखो, छोटा छोटा बॉक्स जैसा बना है ना, कमरे जैसा, सब में छोटा छोटा बिंदी लिखा है। तो जो बिंदी है वो है न्यूक्लियस, उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। और ये जो एक एक बॉक्स है उसको कहा गया ये सेल है। ये क्या है? सेल। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं उसको अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो जो सबसे छोटी चीज है जिनसे मिलकर लिविंग चीजें बनी होती हैं, उसको सेल कहते हैं। और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। और किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, और ये कब की बात है? 1665 की। और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। आपको अब ये पूरा पेज समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए पढ़िए अब यहाँ से। We can try preparing temporary mounds of peels of onion of a different size. What do you we observe? Do we see similar structure or a different structure? What are these structure? These structure look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of a different size have similar small structures visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. अब इन्होंने सोचा, रुक जाओ, इन्होंने सोचा अगर हम छोटा प्याज लेंगे तो उसके बॉक्सेस बड़े होंगे, बड़ा प्याज लेंगे तो उसके बॉक्सेस मतलब बड़े होंगे, छोटा लेंगे तो छोटा लेंगे छोटे होंगे। लेकिन इन्होंने जब सबको माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सारे सेल का साइज लगभग सेम, स्ट्रक्चर उनका सेम था। ठीक है, आप पढ़ो। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। Not only onion, but all organisms that we observe around the made up of cells. However, there are also signal cells that live on their own. जैसे अभी प्याज का जो छिलका देखा था, उसमें कोई एक सेल नहीं था, एक साथ ढेर सारे सेल थे, है ना? ढेर सारे बॉक्सेस बने थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो केवल उसमें केवल एक ही सेल होता है, तो उसे कहते हैं सिंगल सेल। अब ये जो बॉक्स में बना है इसको पढ़ो पूरा। Cells were first discovered by the Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a crock size with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek, 1674, with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. It was Robert Brown in the 1831 who discovered the nucleus in the cell. देखो एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सेल? अभी बाद में लिखना इस वीडियो को सुन करके। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ मीनिंग ऑफ सेल? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक एंड व्हेन? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, व्हेन मतलब 1665 में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखोगी, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने ढूंढा?
रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। उसके बाद हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर पतला पतला पानी जैसा होता है, ठीक है, और उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, तो उसको किसने बताया? पुरकिंजी ने 1839 ने, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, तो वो यहां से आएगा, द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाई टू बायोलॉजिस्ट शिकलिन एंड शिचॉन। तो या क्वेश्चन क्या बनेगा, हु गिव सेल थ्योरी, तो शिल्जन एंड शिचवान गिव सेल थ्योरी, ठीक है। एंड वॉट इज सेल थ्योरी, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस बॉक्स से कितने सारे क्वेश्चन बने, ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखोगी फिर उनके आंसर लिखोगी। नीचे पढ़ो आप, The invention of magnifying lenses led to the discovery of a microscope world. It's now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba. Chlamydomonas, Chlamydomonas, paramecium and bacteria. ये चार ऐसे हैं, सुनो, ये चार जानवर के नाम है, मतलब अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। स्पेलिंग याद कर लेना। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल के बने हुए हैं, मतलब इनके अंदर ढेर सारे सेल नहीं होते। तो एक तो इनकी स्पेलिंग याद करोगी, और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बनेगा, गिव एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो इन चारों के नाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, वॉट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या वॉट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं या सिंगल सेल कहते हैं, मतलब उनके अंदर केवल एक ही सेल बना होता है, एक ही डब्बा बना होता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और ये इनके एग्जांपल है। तो एग्जांपल लिखने के लिए स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टूगेदर इन ए सिंगल बॉडी, उसके अलावा अगर कोई जानवर कई सेल से बना है मिल करके तो उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल हैं, समझ में आया। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल, ध्यान से सुनना मैंने डेफिनेशन बोल दी है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल इट इज कॉल्ड यूनी सेलुलर, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स देन इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगस, प्लांट, एनिमल। आपको समझ में आ गया? Yes. एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर तो अमीबा, क्लेमाइडोमाइनस, ठीक। गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में देखो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, तो अलग अलग सेल की देखो अलग अलग शेप होती है। फिगर 5.13 में बना है, कुछ गोल हैं, कुछ लंबे हैं। नर्व सेल देखो पीले रंग का बना हुआ है, ब्लड सेल देखो कुछ बड़े हैं, कुछ चिपटे हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है। अगर इस वीडियो को ध्यान से बाद में सुनोगी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, उनको कॉपी में लिख के उनका आंसर लिख के हमको भेज देगा। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़िए। And size of cells are related to the specific function they perform. Some cell like amoeba having changing shapes. एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन और होगा कि which cell is unicellular and have changing shape? तो amoeba is a unicellular and changing shape. Amoeba एक ऐसा सेल है जो एक सेल का बना है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना है और वो अपनी शेप भी बदलता रहता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि अपना शेप नहीं बदलते। नहीं। और ये बेटा, इन सम केसेस, इन सम
cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. नर्व सेल का एक ही शेप होता है, वो अपना शेप बदलता नहीं है. नहीं. आगे बढ़िए. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living form. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in a multicellular organisms such as human being. This means that different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific component within it known as a cell organelles. Organelles. Each kind of cell organelle perform a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste and material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together and constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have a same organelles, no matter that what their function is or what organisms they have found in. देखो, हमारी बॉडी में खाना बनता है, खाना खाते हैं, फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है. तो हर काम के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सेल होते हैं. जैसे जहाँ हम सांस लेते हैं किडनी में, वहाँ रेस्पायरेशन का सेल है. स्टमक में डाइजेशन का सेल है. ब्रेन में सोचने वाला सेल है, नल सेल है. तो कई तरह के फंक्शन मिल मिल करके सब के अंदर अलग अलग फंक्शन होता है. लेकिन जो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक ही सेल होता है, तो सारे के सारा काम वो एक ही सेल करता है. लेकिन मल्टी सेलुलर में हर चीज़ के लिए अलग अलग सेल होते हैं और वो अपनी स्पेशल तरह का ही काम केवल करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी